निवेदिता। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर उनकी पार्टी तक मोदी सरकार की न्यू इंडिया की मुहिम का मजाक उड़ाती रही है। पहले योगा डे पर राहुल गांधी ने न्यू इंडिया के साथ ही सेना की डॉग स्क्वाड पर विवादित ट्वीट कर पार्टी की फजीहत कराई और बीजेपी को हमलावर होने का मौका दिया। इसके बाद कांग्रेस की युवा नेता राधिका खरे ने भी न्यू इंडिया का मजाक उड़ा दिया। उन्होंने तो न्यू इंडिया का जिक्र कर बीजेपी के युवा सांसद गौतम गंभीर को भी लपेटे में लेने की कोशिश की, लेकिन शायद यहीं पर उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर दी, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर विरोधी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा चुके गौतम गंभीर सियासी पिच पर भले ही नए हो, लेकिन यहां भी वो विरोधियों को जवाब देना अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर पर इन दिनों वर्ल्ड कप के मैचों के दौरान कमेंट्री करने के आरोप लग रहे हैं। इसी बीच खुद को कट्टर कांग्रेसी कहने वाली पार्टी की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खरे ने भी ट्वीट कर पूछा, कहां है नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के न्यू सांसद? चुनाव के ठीक पहले पीएम ने पूर्वी दिल्ली की जनता के साथ खेल कर दिया, जिन्हें आज संसद में जनता की समस्याओं पर बैटिंग करनी चाहिए वो स्टूडियो में बैठकर कमेंट्री के छक्के मार रहे हैं। समझ आ रही है ना मोदी सरकार की गंभीरता? कांग्रेस नेता राधिका खरे ने 28 जून को किए इस ट्वीट के जरिए गौतम गंभीर के संसद में मौजूदगी को लेकर तंज कसा, जिस पर खुद बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने जबरदस्त पलटवार करते हुए ट्वीट किया, मोहतरमा मैं देश के लिए गंभीर अपने खेलने के समय भी था और आज एक सांसद के तौर पर भी हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह समझता हूँ और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज मैं संसद में ही था। देश के लिए काम करने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है, ट्विटर पर नहीं। गौतम गंभीर के इस जवाब पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, अरे गौती भैया, ये राधिका को खुद उनकी पार्टी सीरियसली नहीं लेती तो आप क्यों रिएक्ट कर रहे हो इन पर? इन्होंने तो झूठ को आधार बनाकर पूरा चुनाव ही लड़ा था, मगर जनता ने इन्हें इनकी जगह दिखा दी और दूसरी बार भी ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक नहीं बना पाए, इसीलिए इनकी हालत पर तरस खाओ और जोर से हंसो। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा है, गंभीर भैया इन्हें शायद लगा होगा कि आप कमेंट्री इंग्लैंड में जाकर करते हैं, संसद की कार्यवाही तो देखी नहीं होगी, मोहतरमा ने मैच देखा होगा। गंभीर के ट्वीट पर एक और ट्विटर यूजर ने लिखा और इसी के साथ राधिका की पहली ही बॉल पर छक्का मार दिया। पूर्व क्रिकेटर और सांसद गंभीर वर्ल्ड कप के मैचों के लिए कमेंट्री करने के साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में भी बहुत सक्रिय हैं। वो शपथ ग्रहण के बाद से ही दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठकर अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए बात कर रहे हैं, तो वहीं महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रहे हैं। दिल्ली की जनता से सीसीटीवी कैमरे लगवाने का वादा करने वाली केजरीवाल सरकार अभी तक ये वादा पूरा नहीं कर सकी। वहीं गौतम गंभीर के संसदीय क्षेत्र में सीसीटीवी लगवाने का तीसरा फेज का काम भी पूरा हो गया। सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के बाद गौतम गंभीर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर सीसीटीवी फुटेज पोस्ट करते हुए लिखा है, तीसरे फेज के सीसीटीवी कैमरों के इंस्टॉलेशन के बाद मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं, मैं अकेला ही चला था मंजिल की तरफ, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया, सच्ची नीयत से ही सफलता मिलती है, ट्विटर पर बड़े चोचले कसने से नहीं। और सभी भाइयों बहनों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप बहुत समय से यहां पर हैं, इतनी तेज धूप में जिस तरीके से आप सभी ने मुझे मौका दिया कि मैं 2 मिनट अपनी बात रख सकूं, मैं दिल से इसका धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए पिछले कई दिनों से मुझसे यह सवाल पूछा गया कि राजनीति क्यों, आपने अभी क्रिकेट खत्म करी उसके बाद कमेंट्री आप कर सकते थे, आपके पास कमेंट्री का कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर राजनीति का फैसला क्यों? और मैं ये बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि दो किस्म के लोग हैं इस दुनिया में, एक ऐसे कि हर मुद्दे पे जो ट्वीट करते हैं एसी कमरों में बैठ के और फिर ट्वीट करने के बाद भूल जाते हैं, और फिर जब कोई दूसरा मुद्दा आता है तो फिर ट्वीट करते हैं, और एक ऐसे भी लोग हैं जो उनकी भावना है इस देश के लिए, वो उस भावना को लोगों के बीच में जाकर, कहाँ वो इस देश की प्रगति को देखते हैं, उस प्रगति को लोगों के बीच में लेकर जाकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जब मेरे पास ये एक डिसीजन था कि क्या मैं सिर्फ एसी कमरों में बैठ के ट्वीट करना चाहता हूँ
और फिर उसको भूल जाना चाहता हूँ, या फिर मैं लोगों के बीच में आके लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो मैंने ये जो राजनीति में कदम रखा, ये एक सच्चे दिल, सच्ची नीयत और एक सच्ची सोच के साथ रखा है। एक ऐसी सोच में कदम रखा, एक ऐसी सोच दिल सच्ची नीयत और एक सच्ची सोच के साथ रखा है। एक ऐसी सोच में कदम रखा जिसमें ना तो हम झूठे वायदे करेंगे, हम सिर्फ वैसे सच्चे वायदे करेंगे और ऐसे वायदे कि जो हम लोगों के लिए जल्दी से जल्दी पूरे कर सकें। पिछले 4.5 साल में दिल्ली के लोगों के लिए कई ऐसे झूठे वादे किए गए हमारे सीएम के द्वारा कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, हम 100 स्कूल खोलेंगे, 100 कॉलेजेस खोल देंगे, हम सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे, वाईफाई लगाएंगे। लेकिन जब कोई भी वायदे पूरे नहीं किए गए तो फिर अब वो जो स्टेटहुड का मुद्दा है उसके पीछे छुपकर गोलियां चला रहे हैं। देखिए, पिछले कई समय से ये भी बात चली कि मैं डिबेट से डर गया, और मैंने इसका जवाब पिछली रैली में ये दिया कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से नहीं डरा वो इनकी डिबेट से क्या डरेगा। देखिए, मैंने उस मंच में खुलेआम चैलेंज किया केजरीवाल जी को कि अगर आपकी पार्टी इतना ही डिबेट करना चाहती है तो जैसे 4.5 साल आपने लिए राजनीति में, उस वक्त मैं सिर्फ 4.5 दिन पुराना था, आप मुझे अपनी राजनीति का सिर्फ आधा वक्त दे दीजिए, समय भी आपका, जगह भी आपकी। लेकिन उस डिबेट की एक शर्त यह होगी कि ना तो वो किसी सोशल मीडिया और ना ही वो किसी बंद कमरे में होगी, वो डिबेट होगी जनता के बीच में। और अभी भी उस चैलेंज का कोई जवाब आया नहीं। मैंने 15 साल क्रिकेट खेली, लेकिन जिस दिन मैंने राजनीति में कदम रखा, 15 घंटे में मेरे ऊपर इतने एलिगेशन लगाए गए, इतने आरोप लगाए गए कि जो 15 साल में नहीं लगे। कभी नॉमिनेशन रद्द करने की बात, कभी 2 वोटर आईडी की बात, कभी एफआईआर दर्ज कराने की बात, और अब केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं 240 दिन देश से बाहर रहूंगा। देखिए, मुझे क्रिकेट में एक चीज जरूर सिखाई गई कि अगर लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई आमने सामने की लड़नी चाहिए, और हम भारतीय जनता पार्टी कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन वो लड़ाई हम आमने सामने की लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की तरह नहीं कि जो 4.5 दिन पुराने एक नेता को उन्होंने पूरी कोशिश करी कि उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाए। अगर आपने लड़ाई करनी है तो आप आमने सामने की लड़ाई लड़िए, सामने आइए, पीछे से वार मत करिए। केजरीवाल जी ने ऐसे सपने दिखाए जो वो चाहकर भी पूरे नहीं कर सकते। अगर आपका मकसद सिर्फ लोगों के जज्बातों के साथ खेलकर सत्ता हासिल करना है तो इस तरीके की राजनीति पूरे दिल्लीवासी समझ चुके हैं। पहले वो गाली देते हैं, फिर वो माफी मांगते हैं, और फिर वो लोगों के पैरों में गिरते हैं, और जब लोग नहीं मानते तो फिर वो गाली देना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी राजनीति सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, हम ऐसी राजनीति ना कभी करते थे और ना ही कभी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, और वो पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए है क्योंकि सोच का फर्क है, और वो सोच ये है। मैंने आम आदमी पार्टी बात करती है डिबेट, धरना और ड्रामे की, और हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारा देश एक सुपर पावर बने। हमारे प्रधानमंत्री विरोधियों की आंखों में आंखें डाल के लगाए गए इतने आरोप लगाए गए, वो कोई भी देश हो उनको जवाब देना जानते हैं, और कई लोग सिर्फ इसका प्रूफ मांगते हैं। और हाल ही में मैंने सुना साल में नहीं लगे, केजरीवाल जी ने बोला कि जो उनके ऊपर रैली में अटैक हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने कराया है,
पिछले 4.5 साल सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी को ही ब्लेम करते रहे। एक चीज मैं इस मंच से जरूर कहना चाहूंगा कि केजरीवाल जी अभी इतने बड़े लीडर बने नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को उनके बारे में सोचने की जरूरत पड़े। कभी वोटर आईडी की बात, कभी FIR, तो आप दर्ज कराने की बात, तो इसलिए अगर हर चीज में केजरीवाल जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ही ब्लेम करेगी तो इस देश की जनता और इस दिल्ली की जनता इसका जवाब जरूर 23 तारीख को देगी। आप सभी लोग यहां पर आए, आपने मुझे इतना प्यार दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।